अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को पहचान संस्था द्वारा वर्चुअल योगा दिवस मनाया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों, विशेष बच्चों, अभिभावकों ने हिस्सा लिया। आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनाही के प्रिंसिपल निर्मल ठाकुर द्वारा योग करवाया गया। सेशन में उन्होंने बताया कि योग करने से हमें कितने फायदे हैं और हमें कोरोना महामारी के समय स्वस्थ रहने के लिए योग जरूर करना चाहिए। योग दिवस पर पहचान संस्था की प्रबंधक चेतना शर्मा ने प्रिंसिपल मैम का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से योग करवाया और कहा कि हमें योग दिवस पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन योग करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन पहचान संस्था द्वारा वर्चुअल वे में योगा दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे पहचान संस्था के सभी सदस्य, सभी स्पेशल चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सभी ने बहुत ही अच्छे से योगा सेशन को कम्प्लीट किया। इसमें मिसेस निर्मल मैम, जो कि गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाही के प्रिंसिपल मैम और साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर मैम हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है बच्चों को योगा करवाया। और साथ ही इस कोरोना पैंडमिक समय में जो ये महामारी चल रही है, उसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और हमें कैसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना है। तो सभी अच्छे से योगा करें और डेली योगा करें, देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट एंड स्टे बेस्ट। ये पहचान इंस्टीट्यूशन के बच्चों के साथ मेरा तीसरा योगा दिवस जो वो आज सेलिब्रेट हो रहा है, मगर इस बार का तो स्पेशल ही था कि ऑनलाइन ये डे जो वो सेलिब्रेट किया गया। मगर मैं हैरान रह गई जो बच्चों के रिस्पांस थे, इतने दूर दूर अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, फिर भी बच्चों के रिस्पांस तो मतलब सरप्राइजिंग थे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। ऐसा लगे नहीं कि इस प्रकार से कहीं इन बच्चों को जो है वो कोई कमी है। जिस प्रकार से पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं और मोर ओवर मैम चेतना जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ऑब्जर्व करती रही बच्चों को, और जैसे जैसे जहाँ भी कहीं बच्चे जो है वो इधर उधर डाइवर्ट हो रहे थे तो एकदम उनका जो है वो अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे थे और वो मेरे एक्शन को जो फॉलो कर रहे थे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस बच्चों का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैडम चेतना का और इस पहचान इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन का कि मुझे जो है वो इस दिवस पर जो है वो इन्होंने इस बार भी जो है वो इनवाइट किया और इन बच्चों से मिलने का मौका दिया, इनके पेरेंट्स से मिलने का मौका दिया। मैं सभी का जो है वो इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की आप सबको ढेर सारी बधाई हो। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हिमाचल में बहुत सारे लोगों ने आज इस मौके का फायदा लिया और अपने वर्चुअल माध्यम से अपने ही घरों में रह करके और हम सब के साथ जुड़ करके सबने योग, प्राणायाम और ध्यान, इन सब चीज़ों का लाभ लिया। और इस उपलक्ष्य में आज हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल जी, हमारे हिमाचल के जो गवर्नर हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे और मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, वो भी हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उन्होंने पूरे हिमाचल वासियों को एक मैसेज दिया है कि हिमाचल एक देवों की भूमि है और हिमाचल के सब लोग दास हैं और दास कभी उदास नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा सब लोग मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपने जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब चीज़ों को लगातार अभ्यास में लाते रहें और सब लोग जल्दी से स्वस्थ हों। और वैसे भी बहुत सारे लोग इस वर्चुअल माध्यम से पिछले एक महीने से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़े हुए थे और जो रेगुलर बेसिस पे पूरे हिमाचल में हमारे जितने भी योग शिक्षक हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो रेगुलर उन लोगों को योग अभ्यास, योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करवा रहे थे। और इसके साथ साथ एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एज अ
डिस्ट्रिक्ट टीचर कोऑर्डिनेटर होने के नाते डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हमारे बहुत सारे शिक्षक जो सुबह शाम और दोपहर को भी बहुत सारे जो होम क्वारंटाइन लोग थे उनको रेगुलर योग प्राणायाम ध्यान इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करवा रहे थे। और इसका नतीजा ये भी निकल के आया जो लोग होम क्वारंटाइन के अंदर थे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हुए, और स्वस्थ होने के बाद भी रेगुलर लगातार वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों का फायदा ले रहे हैं। और उन सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि जो भी हम सब ने ये चीज़ें सीखी हैं योग प्राणायाम ध्यान और ये इसको अपने जीवन में रेगुलर उतारेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हम बनेंगे। तो मेरा आप सबके लिए यही मैसेज है, संदेश है कि आपको जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा भी दिखता है ना जो थोड़ा सा मन से उदास लग रहा है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ लग रहा है, तो उनके पास जाएं, जाकर के थोड़ा सा उनसे बातचीत जरूर करें ताकि उनका दुख बांटने में हम उनका सहयोग कर पाएं। सो इसी तरह से सब लोग अपने घर में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और खुद भी प्रसन्न रहें और दूसरे लोगों को भी प्रसन्न रखने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए उनको प्रेरित करें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।